हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। होप यू आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। तो आज फिर से एक संडे आ चुका है और मैं भी थोड़ी देर में राइड पे निकलने वाला हूँ। सुबह सुबह निकलने का प्लान था, लेकिन आज सुबह बारिश ने सब काम बिगाड़ दिया और मैं थोड़ा ज़्यादा ही सो गया, तो उसकी वजह से थोड़ा लेट भी उठा मैं। तो अभी टाइम हो रहा है ऑलमोस्ट 12 PM, तो मैं अभी थोड़ी देर में निकलने वाला हूँ। और उससे पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखाने वाला हूँ, तो वो चीज़ है ये JKE का एक हेलमेट है और इसका पिन्नी भी मैंने अभी तक नहीं उतारा है। एज यू कैन सी, ये ऊपर का क्लियर वाइज़र है और इसके नीचे है इसका टिंटेड वाइज़र। तो इसका पिन्नी अभी तक नहीं उतारा है मैंने, तो इसका पिन्नी अभी उतारने वाला हूँ। और एज यू कैन सी, इसके लिए ये ब्लू आर्मर का ये जो GoPro माउंट है ये भी रेडी है। अभी इसको मुझे यहाँ पर सेट करना पड़ेगा इस पर, और उसके बाद दिस हेलमेट विल बी गुड टू गो फॉर मोटो ब्लॉगिंग। दो मुझे ये सब लगाने का मन नहीं कर रहा है क्योंकि ये हेलमेट थोड़ा सा एक्सपेंसिव है। एज यू कैन सी, बहुत ही सुंदर ग्राफिक्स है, थोड़ा हटके है। पहले मुझे ये फर्स्ट लुक में उतना अच्छा नहीं लगा, लेकिन जैसे जैसे मैं इसको देखते गया मैं इसका फ़ैन हो गया। तो वही है, एक तो नया हेलमेट है, ऊपर से मेरे लिए तो बहुत एक्सपेंसिव है, तो इसीलिए इस पर कुछ भी लगाने का मन नहीं कर रहा है ये सब चीज़। बट क्या करें, लगाना तो पड़ेगा। तो मैं अभी इसको सेट करता हूँ और माउंट करता हूँ इस पर मेरा GoPro, और उसके बाद सीधा रास्ते पे चलते हैं। ठीक है, सो हे दोस्तों, फाइनली GoPro मैंने चालू किया और ये नया हेलमेट में मैंने अभी माइक को थोड़ा दूर सेटअप किया है। कोई पता नहीं आवाज़ कैसा आ रहा होगा, बट डाउट है मुझे। तो ये हेलमेट के अंदर बहुत साइलेंट है, बट आई डोंट नो, हवा तो फिर भी मेरे कान में थोड़ा आ रहा है, तो मुझे लग रहा है थोड़ा विंड नॉइज़ तो आएगा भैया। तो आई थिंक आप लोगों ने गेस कर ही लिया होगा कि हम लोग कौन से रोड पे हैं। अरे ये क्या है, ड्रिजलिंग स्टार्ट हो गया है। सो एक्चुअली आज इतना लेट हो चुका है ना, तो दूसरा कोई डेस्टिनेशन जाने का हिम्मत नहीं हुआ क्योंकि टाइम मैनेज नहीं होगा। तो पता नहीं यार, कहीं पे रुक के थोड़ा फुटेज चेक करना पड़ेगा कि कैसा आ रहा है आवाज़। मुझे तो लग रहा है कि बहुत ज़्यादा विंड नॉइस आ रहा होगा शायद, बट हेलमेट थोड़ा हैवी है बट अच्छा है। ऐसा लग रहा ना, हेलमेट इतना डीप है और इसका पैडिंग इतना थिक है ना, तो ऐसा लग रहा है कि मेरा जो सर है वो किसी सुरंग के अंदर घुसा हुआ है चारों तरफ से वो फुल टाइट है, हिल भी नहीं रहा है। और GoPro लगाने के बाद और थोड़ा हैवी हो गया हेलमेट। ये मेरा पिछले वाले हेलमेट से थोड़ा हैवी है, 100 ग्राम, ये 400 ग्राम्स है। हेलमेट पे GoPro लगाने के बाद वेट थोड़ा सा और बढ़ जाता है, 200-300 ग्राम आई थिंक। तो या थोड़ा प्रॉब्लम होता है, बट कोई नहीं। तो ये हेलमेट लगाने के बाद ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर मैंने चला लिया है। तो पहले थोड़ी देर मुझे कुछ प्रॉब्लम्स हो रहा था, लेकिन अभी उतना नहीं हो रहा है। बढ़िया, मेरा जो मुंह है वो पैडिंग से ऐसे पिचका हुआ है, पूरा चिपका हुआ है ये पैडिंग मेरे मुंह से। बहुत ठीक है इसका पैडिंग यार। कुछ डिफरेंट ही फीलिंग है, लेकिन एक प्रॉब्लम मुझे हो रहा है कि ये हेलमेट पहन के मैं ऐसा पूरा सर नहीं घुमा पा रहा हूँ, अटक रहा है। अभी कहाँ अटक रहा है वो देखना पड़ेगा। ओह भाई साहब, ऊपर कितना फॉग है, ऊपर तो बारिश हो रहा है, सो ज़्यादा ऊपर तक नहीं जा पाएंगे शायद, बट जहाँ तक हो सकता है उतना ही। और ये मैंने मेरा ग्लव्स खोल दिया है
एक नया टेक्निक मुझे मिला है ग्लव्स को लगाने का, टांगने का एक्चुअली। एक्चुअली क्या है ना, मैं बीच बीच में मेरा आईफोन निकाल के वीडियो कर रहा हूँ शॉर्ट्स के लिए, तो ग्लव्स लगाने के बाद वो काम नहीं करता है, तो इसीलिए खाली हाथ फ़ोन को ऑपरेट करना पड़ता है। अबे साले मैं तो डर गया था भैया, ये ऐसे क्यों दौड़ के आ रहा है क्या मौसम हो रहा है, और ऐसा मौसम देख के एक गाना बहुत मन में आ रहा है, कौन सा गाना पता है? आज मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा बेईमान है आज मौसम, आने वाला कोई तूफान है, कोई तूफान है आज मौसम। And always my favorite part is this, on this road. What a beauty, man. दोस्तों हम लोग अभी पता नहीं क्या कर रहे हैं, हम लोग थोड़ा हिल पे जाने के सोचे थे, लेकिन इतना बारिश हुआ, इतना बारिश हुआ ना, 5 फीट में पूरा गीला कर दिया। फिर अभी ऊपर से नीचे आ रहे हैं, अभी शायद हम लोग सिलीगुड़ी जा सकते हैं, यही प्लान बन रहा है, तो चलो सिलीगुड़ी चलते हैं फॉर नो रीजन। वैसे एक चीज़ बोलना मैं भूल गया, ये जो लड़का है सामने है बच्चे में, तो ये मेरे साथ ही है आज, ये बच्चा बहुत दिन से बोल रहा था कि मेरे साथ राइड पे जाएगा, तो बहुत दिन में वॉइस टाइस बोल देगा, तो आज मैंने इसको बोला चल थोड़ा घूम के आते हैं। Chip on my shoulder cause they treat me like an outcast. I ain't gonna take that, stay back. I'll be swinging hard till the hits come in all caps. I ain't gonna lay back, pray that someone's gonna help me. Ain't nobody like that. I ain't gonna wait, that's all fact. Give me. So abhi time ho raha hai 6:37 aur hum log pahunch chuke hain Siliguri. Oh yeah. Lekin sham ho chuka hai. Abhi dekhte hain kya kar sakte hain. Pehle milte hain Jija ji se. उसके बाद प्लान करते हैं कि क्या प्लान करना है, कहाँ जाना है और क्या करना है।